नक्सलियों के आतंक से छत्तीसगढ़ उभर नहीं पा रहा। न जाने कब तक हमारी सेना नक्सलियों के कायराना हरकतों से अपनी जान यूं ही गंवाती रहेगी। एक बार फिर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के जवान मदनपाल सिंह शहीद हो गए हैं। वो सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। आपको बता दें कि बीजापुर के केशकुतूल में पेट्रोलिंग पर निकली सीआरपीएफ टीम पर नक्सलियों ने अचानक हमला बोल दिया था, जिसमें हाथरस शहर से सटे गाँव तमन्ना गढ़ी के रहने वाले मदनपाल सिंह के साथ दो और जवान भी शहीद हो गए। शहीद के पार्थिव शरीर को देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं अंबेडकर पार्क में सीआरपीएफ के जवान को श्रद्धांजलि दी गई। इस शोक के मौके पर सीआरपीएफ के आईजी सुभाष चंद्र, डीआईजी और प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री उपेंद्र तिवारी भी मौजूद थे। क्या रहा, नक्सलियों ने कैसे हमला किया और क्या? ये हमारे जवान कंपनी हेडक्वार्टर से बटालियन हेडक्वार्टर में जा रहे थे। रास्ते में नक्सलियों ने सुरंग बुझा रखी थी, आरोपी सुरंग, और उन्होंने घात लगा के हमला किया। उसमें ये घायल हो गए और जब इनको एयरलिफ्ट करके रायपुर लेके जा रहे थे तो रास्ते में कौन सी बटालियन थी? और 199 बटालियन थी, ये बीजापुर जनपद में तैनात थी, छत्तीसगढ़। वहीं शहीद के अंतिम दर्शन के लिए जिले के सांसद, विधायक सहित डीएम, एसपी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। शहीद के बेटे राहुल ने अपने पिता को नम आंखों से मुखाग्नि दी। आखिरकार सेना पर होने वाले नक्सलियों के हमले कब तक होते रहेंगे और हमारी सरकार इस तरह के हमलों को कब तक रोक पाएगी, ये किसी को नहीं पता। पर नक्सलियों द्वारा होने वाले इन हमलों को रोकने के लिए कुछ न कुछ हल तो सरकार को निकालना ही होगा। न्यूज डेस्क।